एक ब्राह्मण को कहीं से यजमानी में एक भैंस मिली। उसे लेकर वह घर की ओर रवाना हुआ। सुनसान रास्ते में वह पैदल ही चला जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी वह अच्छा तगड़ा था। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, खूब दक्षिणा मिली लगती है, पर यह भैंस तो मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने झट से कहा, क्यों भाई, यह भैंस तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? चोर बोला, क्यों क्या, जो कह दिया सो करो। भैंस छोड़कर चुपचाप यहां से चलते बनो, वरना यह मेरे हाथ में लाठी देख रहे हो, तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण का गला सूख गया। हालांकि शारीरिक बल से वह चोर से कम नहीं था, पर खाली हाथ वह करे भी तो क्या करे। विपरीत समय में बुद्धि बल काम आया। ब्राह्मण बोला, ठीक है भाई, भैंस भले ही ले लो, पर ब्राह्मण की चीज यों छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा। बदले में कुछ देकर भैंस लेते तो पाप से बच जाते। चोर बोला, यहां मेरे पास देने को धरा क्या है? ब्राह्मण ने झट से कहा, और कुछ ना सही, लाठी देकर भैंस का बदला कर लो। चोर ने खुश होकर लाठी ब्राह्मण को पकड़ा दी और भैंस पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण कड़क कर बोला, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी खोपड़ी दो होती है। चोर ने पूछा, क्यों? ब्राह्मण बोला, क्यों क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर को अपनी बेवकूफी समझ आ गई और उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान के पास अक्ल होती है, वही इंसान सबसे ताकतवर होता है।